इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं के लिए लाई सौगात। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम हमारी पांचवी गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे। हिमाचल सरकार का है वादा। बिलासपुर जिलाधीश कार्यालय में दिव्यांग और सीनियर सिटीजन के लिए पुल निर्माण किया गया, जिसका आज मंत्री राजेश धर्माणी विधिवत उद्घाटन करने पहुंचे। हालांकि उन्होंने दिव्यांग बच्चों से ही इसका उद्घाटन करवाया। इस मौके पर धर्माणी ने कहा कि ये पुल दिव्यांग जनों और सीनियर सिटीजन के लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। पैदल पुल का उद्घाटन किया, इसमें डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर का बहुत बड़ा योगदान रहा और इससे बनने से जहां जो हमारे दिव्यांगजन हैं और हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको विशेष तौर पे इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि ये सड़क के लेवल पे जो है हम सीधा चल के जो है वो डीसी ऑफिस में पहुंचते हैं और जो पहले रास्ता था वो सीढ़ी सेकंड फ्लोर पे था तो सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता था तो दिक्कतदारी थी, तो इससे जहाँ आना जाना सुगम हुआ है वहीं पे जो डीसी ऑफिस के साथ दूसरे एसोसिएटेड कार्यालय हैं उनमें भी डिस्टर्बेंस कम होगी, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज जो सारे बिल्डिंग के बीच में से रास्ता था तो सारे कार्यालय के काम में भी विघ्न पड़ता था आवाजाही की वजह से। तो ये बहुत लाभकारी है, कम पैसे में ज़्यादा इसका बेनिफिट है, तो कॉस्ट बेनिफिट रेशो जो है वो हाईएस्ट है डिस्ट्रिक्ट में जितने काम हुए हैं, तो मैं इसके लिए सभी को बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इस तरह के काम होते रहें, इससे लोगों को सुविधाएं ज़्यादा मिलती रहें। अब ये चुनावी समय है, हालांकि लोगों ने तो इसका उद्घाटन एक साल पहले कर दिया है, इसका उपयोग कर रहे हैं लोग, आना जाना एक साल पहले शुरू हो गया। नमस्कार जी, नाम विनोद कुमार है, दिव्यांग कल्याण संघ बिलासपुर का प्रधान हूँ। निर्माण किया गया है, इसके उद्घाटन के लिए हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी पधारे हुए थे, लेकिन उन्होंने खुद न उद्घाटन करते हुए हमारे दिव्यांग जनों के हाथों द्वारा ये उद्घाटन किया गया। बाकी इस जो जिला प्रशासन के द्वारा लोगों के लिए जैसे दिव्यांग जनों के लिए समावेशिक और सुरक्षा के लिए जो रैंप का निर्माण किया गया है उसके लिए दिव्यांग कल्याण संघ तथा जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया हुआ है, तथा इससे जो हमारे दिव्यांग है जैसे बैसाखियों से आते हैं सीढ़ियों में नहीं चढ़ पाते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन तथा प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। यहाँ बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा फील हुआ कि हमारे से ये सर ने खुद का हो करके हमारे को ऑप्शन दिया कि आप लेकिन करते हो, और जैसे हम आते हैं तो हमें सीढ़ियाँ चढ़ के प्रॉब्लम होती थी, यहाँ से हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा हुई। और वहीं इस दौरान बागियों को लेकर कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने साफ किया है कि वो अब बागी नहीं निष्कासित हो चुके हैं जो हिमाचल विधानसभा के सदस्य नहीं है। बागी विधायक नहीं है, वो एक्सपेल्ड है, निष्कासित हो चुके हैं, अब वो सदस्य नहीं है। जो स्पीकर साहब ने फैसला लिया है उसके मुताबिक वो आज की समय में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।